हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका टिप्स में। देखिए, आज मैं आपके साथ एक मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, क्योंकि अब क्या है कि विंटर्स आने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी सी आ भी गई हैं और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत सभी को पड़ने वाली है, चाहे ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन हो। तो आज जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पोंड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। इसको मैंने परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको ठीक लगे आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, पोंड्स की क्रीम हम सब ने ही यूज़ की है पहले। बहुत ही छोटी छोटी इसकी डिब्बियाँ आती थी, शायद अभी भी आती हैं 5 या 10 रुपए की। उसको हम अपने स्कूल टाइम में अपने स्कूल बैग में रखते थे, विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि अगर हमें हैंड वॉश करने पड़ते हैं या अपने फेस को वॉश करते हैं तो फटाफट से इसको अप्लाई कर ले। देखिए, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो विंटर्स में मैं पहले भी जब मैं स्कूल टाइम पर थी और अभी भी अपने बैग में मॉइस्चराइज़र को ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो कोई सा भी हो। पहले तो हम पोंड्स के रखते थे, छोटी छोटी जो 10 रुपए की डिब्बी आती थी उसको रखते थे। ये भी बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको ईजिली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 से 4 पैकेजिंग मिल जाती है, इससे छोटा भी आता है और इससे बड़ा भी आता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है। देखिए, अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह के राउंड बॉक्स में ये आती है, प्लास्टिक का बॉक्स है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी पैकिंग है। इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू पोंड्स लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई प्लस ग्रिसलिन। देखो, विटामिन ई और ग्रिसलिन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को नरिश करता है और हाइड्रेट करता है। दोनों ही चीज़ें हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। विटामिन ई और ग्रिसलिन स्किन वालों के लिए सर्दियों में अमृत है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ है ये, आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट कर देती है और नरिश कर देती है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो 150 ml है इसकी क्वांटिटी और इसका प्राइस इस पर लिखा हुआ है 210 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 190 रुपीज़ में मिला था। इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है 3 ईयर्स की। इसमें लिखा हुआ है 220, यानी कि फरवरी 2020 से जनवरी 2023 तक इसकी शेल्फ लाइफ है, तो 3 ईयर्स की मिल जाती है आपको इसकी शेल्फ लाइफ। इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें पैराबीन दे रखा है, पैराबीन फ्री प्रोडक्ट नहीं है ये, इसके इंग्रेडिएंट में पैराबीन लिखा हुआ है। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस यही लिखा हुआ है। अब हम इसको अंदर से देख लेते हैं। ये एकदम लाइट मॉइस्चराइज़र है, मतलब आपको अप्लाई करने के बाद ना बिल्कुल भी हैवी हैवी लुक नहीं लगेगा और नॉन ऑयली है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा कि आपने कुछ यूज़ करा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। अब हम इसको अंदर से देख लेते हैं। अंदर से ये कुछ इस तरीके से है, अभी मुझे 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है इसको यूज़ करते हुए। देखिए, जो इसका टेक्सचर है ना वो बिल्कुल क्रीमी है लेकिन ऑयली नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रीमी टेक्सचर है तो आपको ऑयली ऑयली फील होगा, बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है हमारी स्किन पर और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व होने के बाद आपकी जो स्किन है वो खिंची खिंची सी या रूखी रूखी सी फील हो, ऐसा नहीं है। और अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन को एक ग्लो देता है ये, मतलब जब आप उसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको एक ग्लो सा लगेगा स्किन पर, तो बहुत ही क्रीमी है ये। और आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड पे ना थोड़ा सा ग्लो आ गया, अगर आप दोनों हैंड को देखेंगे तो इस वाले पे थोड़ा सा ग्लो लग रहा है। देखिए, अगर आपकी ऑयली टू नॉर्मल स्किन है तो आपको 8 से 10 घंटे का ये इसका स्टे रहेगा, लेकिन अगर आपकी मेरी तरह ड्राई स्किन है, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुए और जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो 5 से 6 घंटे के बाद मुझे अपनी स्किन ना दोबारा से ड्राई ड्राई सी फील होती है और मुझे इसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, जबकि अभी इतना विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आगे ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे का इसका स्टे रहेगा ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि जो मेरी स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और मुझे बार बार मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी 5 से 6 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है, बट अगर आगे सर्दियाँ आएंगी तो मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे तक ही इसका स्टे मेरे फेस पर रहेगा। तो अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये लॉन्ग स्टे है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा टाइम तक इसका स्टे नहीं रहता है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र, डे क्रीम, नाइट क्रीम, हैंड क्रीम, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इसको ईजिली परचेज़ भी कर सकते हैं। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी इसकी दे रखी है, तो आप देख सकते हैं एक बार इसको ट्राई करके, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से मिल जाएगा। रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।